सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष बोदरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों से। गाजीपुर में तेज रफ्तार कार ने तीन को रौंदा, फोर लेन के किनारे टहल रहे थे, कार में मिली शराब की बोतलें, ड्राइवर फरार। जर्जर भवन से लाचार आयुर्वेद अस्पताल इटावा में 25 शैया, अस्पताल में 16 वर्षों से कोई मरीज नहीं हुआ भर्ती। चंदौली में 65 लाख की अवैध शराब बरामद, दवा की बाल्टी की आड़ में हो रही थी तस्करी। बल्दी राय एसओ की कोर्ट में मजबूत पैरवी, गैर इरादतन हत्या में प्रधान पति समेत तीनों को करवाया सजा। मथुरा में रफ्तार का कहर, बेकाबू कंटेनर घुसा पुलिस चौकी में, बाल बाल बचे 4 पुलिसकर्मी। यूपी पुलिस में 11 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, शफीक अहमद बने एसपी प्रशिक्षण निदेशालय। शाहजहांपुर में स्कूल बस ने 2 छात्रों को मारी टक्कर, एक छात्र की मौत, दूसरा घायल, परिजनों ने बस में की तोड़फोड़। पीलीभीत में मैकेनिक ने जहर खा के दी जान, सुसाइड नोट में लिखा गांव के ही 2 लोग कर रहे हैं उत्पीड़न। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के खिलाफ खड़ा हुआ पूर्व ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, बोला स्वच्छ भारत मिशन में फैला रही है भ्रष्टाचार की गंदगी। सहारनपुर में मेला गुगाल में कृष्ण श्री कृष्ण की रासलीला में डूबे दर्शक, वृंदावन से आए रास रंग मंडल के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। फर्जी नर्सिंग होम सील, मुरादाबाद में खुद को एमबीबीएस बताकर फर्जी डिग्री धारक चला रहे थे फैमिली नर्सिंग होम। कस्टडी में हालत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर पहुंचा युवक, परिजन बोले पुलिस ने दी थर्ड डिग्री, आरोपी था तो कोर्ट में पेश करती। सुल्तानपुर में ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले 2 युवकों की मौत, बर्थडे पार्टी से लौटते समय खाई में पलटी बाइक। अयोध्या में फिर दिखा जंगली जानवर का खूनी पंजा, कैंट क्षेत्र में ईटीआर रेंज के पास मिले निशान, वह विभाग ने जांच शुरू की। उन्नाव में अघोषित बिजली कटौती को लेकर हंगामा, उपभोक्ताओं ने कर्मचारियों को घेरकर की धक्का मुक्की। बागपत में तार जलाकर युवा प्रदूषण करने वाले 2 गिरफ्तार, तार से तांबा निकालने के लिए जंगलों में जला रहे थे। कार से अफीम की तस्करी करने वाले 2 गिरफ्तार, शाहजहांपुर पुलिस ने 75 लाख रुपए की अफीम की बरामद। महाबचत में किसान आंदोलन का इशारा, टिकैत राय बोले किसान अपने ट्रक में लगवाएं बम्पर, आंदोलन में यही ट्रैक्टर बनेंगे ट्रक। फ्लाईओवर से 20 फुट नीचे गिरे 2 लड़के, पुलिस बोली तेज स्पीड बाइक पर स्टंट कर रहे थे, दोनों साइड वॉल से टकराए। फरुखाबाद में पुरानी रंजिश में मारपीट, 3 घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को लोहिया अस्पताल में कराया भर्ती।
आगरा में ओपन बार पर चला पुलिस का डंडा, खुले में शराब पी रहे 836 पर कार्रवाई, लगातार चलेगा बयान। फरखाबाद में तीन तालाब के पास मिला युवक का शव, पहुंची पुलिस, शव को कुत्तों ने भी खाया, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। उन्नाव में अपने सरकारी आवास पर बेहोश मिली महिला सिपाही, पड़ोसियों ने कराया अस्पताल में भर्ती। भदोही में बच्चा चोर समझकर महिला को किया निवस्त्र, हाथ पकड़कर बाइक से उतारा, मारपीट कर खींची साड़ी। नोएडा कैलाश अस्पताल में तीमानदारों ने किया हंगामा, महिला की हालत बिगड़ी, सांसद हाथ जोड़कर बोले जिंदा भेजने की गारंटी। रुपए और मोबाइल छीनकर की फायरिंग, वाराणसी में बाइक सवार चार बदमाशों ने मछली विक्रेता के साथ की लूटपाट। बलिया के विद्यालय में छात्र साफ कर रहे हैं शौचालय, प्रधानाध्यापक ने कहा साफ करो शौचालय, नहीं तो शौच के लिए घर जाओ। फिरोजाबाद में चूड़ी जुड़ाई करते समय महिला की साड़ी में लगी आग, गंभीर रूप से झुलसी, महिला को कराया गया अस्पताल में भर्ती। अमरोहा के गजवाला में फिर दिखाई दिया तेंदुआ, ग्रामीण दहशत में, कार की जगह होती बाइक तो हो जाती बड़ी घटना। देवबंद में मजदूर की गोली मारकर हत्या, देर रात काम कर साथियों संग लौट रहा था घर, दो लोगों ने भी सभी पर किया फायर। बुलंदशहर में राशन डीलर ने ग्राम प्रधान पर दबंगई का लगाया आरोप, ग्राम प्रधान ने राशन वितरण करने वाली मशीन को तोड़ा। देवरिया में छात्र को मन बड़ों ने की जमकर पिटाई, छात्र लहूलुहान हालत में पहुंचा कोतवाली। फरुखाबाद जिला अस्पताल लोहिया में प्रयोगशाला कक्ष में हुई मारपीट का वीडियो सामने आया, लैब कर्मियों व मरीजों के बीच हुई मारपीट। गाजियाबाद में मामूली विवाद, एक व्यक्ति की चाकू से गोद कर की हत्या, आरोपी हत्याकांड को अंजाम देकर हुए फरार। हरदोई में मस्जिद के गेट पर आज अराजक तत्वों द्वारा श्रीराम लिखे जाने को लेकर समुदाय में आक्रोश है, पुलिस के पहुंचने पर मामला हुआ शांत। गाजियाबाद पुलिस का शमशार चेहरा सामने आया, डायल 112 की पर तैनात दो पुलिसकर्मी को फ्री में पानी ना देने पर किया गाली गलौज। गोंडा में बाढ़ से बचने के लिए बनाए गए बांध का काम आधा अधूरा, लापरवाही के कारण बांध कटने से की बनी की आशंका। लखीमपुर खीरे में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी का मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में पुलिस व परिवहन विभाग की मिली भगत से सड़कों पर डग्गामार बसें भर रही हैं फर्राटे, डग्गामार बसों पर कार्रवाई शुरू। संभल में एसडीएम सदर के नेतृत्व में गोदाम में छापेमारी, गेहूं का अवैध गोदाम पकड़ा गया, 12 से कट्टे गेहूं। ग्रेटर नोएडा में नागेश हत्याकांड में जेवर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली, हत्या आरोपी 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। संभल में जिला अस्पताल में होमगार्ड ने बुजुर्ग महिला से की खींचतान का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित वाहन ने दो लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक अधेड़ की मौके पर हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बदायूं में डिप्टी सीएम बीजेस पाटा के दौरे से जिला प्रशासन के हाथ पर फूले। डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। बुलंदशहर में दो दोस्तों को अज्ञात वाहन ने रौंदा। हादसे में दोनों दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली में पुलिस और जीएसटी सचल दल ने संयुक्त टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 80 लाख अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। देवरिया में बुलेरो की चपेट में आने से पिता पुत्र की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक का किसानों ने किया स्वागत। किसानों से 7 सूत्री मांगों का सौंपा ज्ञापन। गोंडा में हत्या से जिले में सनसनी। नवाबगंज में एक झोला छाप, डॉक्टर की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। बुलंदशहर में भाजपा युवा नेता का फायरिंग करते वीडियो वायरल। फायरिंग करते दिखे बीजेपी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष। गोंडा में बस अड्डे पर रोडवेज कर्मियों ने जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मासूम बच्ची को रौंदा। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नताशों के साथ जमकर किया स्वागत। पुराने लखनऊ में पकड़ा गया बच्चा चोर। बच्चा चोर मिलने से मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने चोरों को जमकर पीटा। कानपुर में 3 जगह आयकर का छापा। सियासी चंदे में हुई हेराफेरी। पार्टी को चंदा देने वाले की जांच में जुटी आयकर टीम। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का छात्रों ने किया घेराव। रिजल्ट से नाराज छात्रों ने प्रशासनिक भवन में किया विरोध प्रदर्शन। नौ महीने पर जेल से रिहा पीयूष जैन। हाईकोर्ट ने सुनाया जमानत को लेकर रिपोर्टेड जजमेंट। लखनऊ के चौक चाना क्षेत्र में तोड़ी गई हनुमान जी की मूर्ति। नशे के बाद तौफीक ने तोड़ी मूर्ति। पुलिस ने तौफीक को किया गिरफ्तार। कन्नौज में मॉर्निंग वॉक पर निकले बुजुर्ग का मिला शव। शव को देख इलाके में मचा हड़कंप। मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने किया रोड जाम। अचानक जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। सिंचाई विभाग और परिकल भवन के कार्यालय कर्मचारियों के अटेंडेंस किए चेक। नोएडा में डॉक्टरों पर लगा गलत ऑपरेशन करने का आरोप। डॉक्टरों ने 8 दिन में 2 बार गर्भवती महिलाओं का किया ऑपरेशन। संभल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी। हादसे में 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और बलदेव सिंह औलख। मंत्रियों ने गौशाला का किया निरीक्षण।
उन्नाव में आरवत ग्रामीण बैंक शाखा में एंटी करप्शन टीम का छापा, टीम ने महिला बैंक मैनेजर को घूस लेते पकड़ा रंगे हाथ। चंदौली में स्कूल में पढ़ने आए छात्रों से शिक्षक ने लगवाई झाड़ू, नौनिहाल के हाथ में कलम किताब की जगह थमाए झाड़ू। उन्नाव में अवैध खनन माफियाओं पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मौके पर 4 डंपर व 2 जिप्सी जेसीबी की गई सीज। लखनऊ में सब्जी का ठेला लगाने को लेकर दो पक्षों में चले चाकू घटना में एक युवक घायल, पीड़ित ने जानकीपुरम थाने में दी तहरीर। संभल में ग्रामीणों ने दी युवक को तालिबानी सजा, ग्रामीणों ने प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को रात भर पीटा। औरैया में अन्ना मवेशियों से परेशान किसान व सपा विधायक पहुंचे डीएम ऑफिस, डीएम ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। देवरिया में नहर के समीप दिखा 7 फुट लंबा घड़ियाल, मछुआरे व स्थानीय लोगों की मदद से घड़ियाल को निकाला गया बाहर। गोरखपुर में सीएम ने जनता दरबार में पहुंचे 1000 लोग, 70 साल के बुजुर्ग बोले बेटे बहू ने दुकान पर कब्जा किया अब पीट रहे हैं। कौशाम्बी में मजदूर के 50 रुपए ना देने पर पिता पुत्र ने फायर, दो सगे भाइयों का सिर फोड़ा, एक की हालत गंभीर। संत कबीर नगर के घनघटा में भूमि विवाद में दो पक्षों में चली गोली और लाठियां, मारपीट में 9 लोग घायल, 2 को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। शामली दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, विकास कार्यों की ली जानकारी, बोली जनता के हित में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। उन्नाव के गंगा कटरी में दिखे मगरमच्छ, लोगों में दहशत, डीएफओ ने तटवर्ती इलाकों का विलय लिया जायजा। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी